तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसको पुल करनी चाहिए 4.3 के बैनर में। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि 4.3 बैनर में आने वाला है नविया, आयाका फर्स्ट फेज, और सेकंड फेज में आने वाला है रेड एंड शोगन एंड योमिया। तो चलो इस बारे में हम बात करते हैं। नविया कौन सी कैरेक्टर? नविया एक जियो कैरेक्टर है, जियो क्लेमोर कैरेक्टर, ठीक है। और आप लोगों को सभी को पता है कि नविया फाउंटेन से है, और हमने सब उसको आर्गोन क्वेस्ट में देखा हुआ है। उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट भी काफ़ी बहुत ही बेहतरीन है, और उसकी कैरेक्टर डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है। उसका गेम प्ले हम लोगों को कल देखने को मिला है, और ऐसा लग रहा है कि वो एक जियो अटैक स्केलिंग ऑन फील्ड डीपीएस कैरेक्टर है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि इटो एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ मोनोजियो टीम पे काम करता है। इटो के लिए आपको अल्बेटो, गोरुआ, जोंगली चाहिए। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ नविया को, नविया ऐसी कैरेक्टर नहीं है। नविया को रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मोनोजियो टीम में ही चलाना पड़ता है उसको। बाहर के टीम पे भी आप बाहर टीम कौन के भी चला सकते हो, जैसे कि बेनेट हो गया, काजुआ हो गया, और अदर कैरेक्टर हो गए हैं जो क्रिस्टलाइज रिएक्शन से काम करते हैं। तो उन कैरेक्टर के साथ आप टीम कॉम के साथ काम चला सकते हो। तो नविया बहुत ही अच्छी कैरेक्टर है, मुझे लगता है कि नविया डेफिनेटली पुल करनी चाहिए। चलो बात करते हैं आयाका की, कमिसाटो आयाका। अगर आपके पास रायतलेस भी है फिर आपको आयाका पुल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आयाका है पहले से ही और आप उसके वेपन पे जाना चाहते हो तो वेपन पे पुल कीजिए, मिस प्लेटर पे। कॉन्सोलेशन के आयाका, भाई आयाका के कॉन्सोलेशन में मत जाइए, ये मेरा मानना है। अगर आप आयाका पुल करना चाहते हो तो आपको दो चीज याद रखनी पड़ेगी। आयाका का टीम कॉम चाहिए होता है, क्या ना बेस्ट टीम कॉम की बात कर रहा हूँ। दो टीम कॉम है, एक है बहुत महंगा टीम कॉम, एक है फ्री टू प्ले टीम कॉम, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं महंगे टीम कॉम की। शेनहा चाहिए, काजुआ चाहिए, कोकोमी चाहिए। सेकंड टीम कॉम की बात कर ले जो फ्री टू प्ले ऑप्शन है, ठीक है। नंबर वन सुक्रोस, नंबर टू डायोना, नंबर थ्री चिंगचू, और एक टीम मैं बता सकता हूँ, काजुआ, मोना, डायोना, ये टीम कॉम है। तो अगर इनमें से कोई भी कैरेक्टर नहीं है आपके पास तो आयाका प्लीज स्किप करें, कृपा करके मत कीजिए पुल, मेरा ये मानना है, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं सेकंड फेज की। सेकंड फेज में आ रही है हमारी आर्कॉन रेड एंड शोगन। इनजुमा की आर्कॉन है, सबको पता है, और बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है। तो क्या रेड एंड पुल करनी चाहिए? बिल्कुल पुल करनी चाहिए रेड एंड शोगन, क्योंकि साल में एक बार ही आती है। और मेरे पास रेड एंड C1 है विद वेपन, और मैं C2 पुल करने जा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे मुझे से बचा लिया है, सेव कर लिया है मैंने, और करने वाला हूँ मैं। तो क्या रेड एंड पुल करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आपके पास रेड एंड शोगन नहीं है तो आप रेड एंड पुल कीजिए। अगर आपके पास रेड एंड ऑलरेडी है C0 और आप सोच रहे हैं कि मैं वेपन पे जाऊँ या इसे कॉन्सोलेशन पे जाऊँ, देन आप उसके वेपन पे जाओ, आप उसके कॉन्सोलेशन पे जाओ, वेपन पे बाद में जाना। क्योंकि अगर आप कॉन्सोलेशन वो C1 और C2 ले लेते हो ना, तो वेपन अगर आप एक साल भी वेट करो तो भी चलेगा। क्योंकि कॉन्सोलेशन से देखो, C0 में रेडन सब DPS है, C2 में DPS हो जाती है, ये बात हमेशा याद रखना। और वेपन अगर आप पुल कर लेते हो तो C0 में कुछ घंटा कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। C2 करो फिर वेपन पे जाओ, सिंपल, ठीक है। रेडन पुल करनी चाहिए, एब्सोल्युटली यस। अगर आपके पास है नहीं तो पुल कीजिए। योमिया की बात कर लेते हैं। अगर योमिया की बात करें तो योमिया सिंगल टारगेट के लिए काफ़ी अच्छी है। पायरो DPS कैरेक्टर है, मल्टी टारगेट
के लिए अच्छा नहीं है, पहले से ही बोल दे रहा हूँ आपको मजा नहीं आएगा, पर आपको ये कैरेक्टर बहुत ही पसंद है योमिया, तभी तो ही पुल कीजिए वरना तो स्किप ही कीजिए। योमिया अगर आपके पास पहले से है और अगर आप रस्ट पे चला रहे हो तो आप थंडरिंग पल्स पे जा सकते हो उसके वेपन बैनर पे, लेकिन अगर आपके पास योमिया नहीं है और आपको एक पायरो कैरेक्टर चाहिए देन मैं तो बोलूंगा कि आप पुल कर सकते हो। अगर आपको ये कैरेक्टर बहुत ही पसंद है तभी पुल कीजिए वरना मत कीजिए, क्योंकि और एक कैरेक्टर आने वाला है भविष्य में पायरो, उसका नाम मैं नहीं बोलूंगा लेकिन आपको पता है वो कौन है, तो हारबेंजर है, बस समझ समझ लीजिए, समझदार को इशारा काफी है, ठीक है समझ लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो कैरेक्टर आप पुल कर सकते हो भविष्य में जो कि अगले साल आने वाला है। ओके तो अगर आपको ये कैरेक्टर बहुत ही पसंद है यू में तभी पुल कीजिए वरना मत कीजिए। तो चलो वेपन बैनर की बात कर लेते हैं, वेपन बैनर में क्या आने वाला है, और एक नया 4 स्टार कैरेक्टर भी आ रही है देख सकते हो आप वेपन बैनर पे। देखिए नया वेपन आ रहा है या नविया की, नविया का वेपन और आयाका की वेपन, दोनों में से किसको पुल करना चाहिए? अगर आप नविया पुल कर रहे हो देन नविया के वेपन पे जाओ, अगर आप नविया के लिए बहुत टाइम से सेव कर रहे हो तो नविया के वेपन पे बिल्कुल जाना, ठीक है। इन दोनों वेपन बैनर में से कौन सा पुल करना चाहिए, नविया का वेपन या इसका वेपन? अगर आप नविया के लिए पुल नहीं सिर्फ नविया पुल कर रहे हो और आपको एक वेपन चाहिए यूनिवर्सल जो सारे 100 यूजर पे आप चला सकते हो, तो मिसपिटर बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। मिसपिटर एक यूनिवर्सल वेपन है और मेरे पास है, मुझे पता है कि उसका वैल्यू कितना ज्यादा है और आप सभी कैरेक्टर पे आप चला सकते हो वो वेपन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों में से कौन सा वेपन बैनर वेपन पुल करना चाहिए, रेडन शोगन का वेपन या योमिया का वेपन। इन दोनों वेपन में से मुझे लगता है कि रेडन शोगन का जो वेपन है वो बेस्ट है। अगर आपके पास ऑलरेडी C1 है या कैच है देन आप उसके वेपन पे जा सकते हो। अगर आपके पास 20,000 25,000 प्रीमोजेम्स है देन वेपन बैनर पे जाओ, वेपन निकालो और उसका C2 भी कर लो, ठीक है। पहले कॉन्स्टलेशन पे जाओ फिर वेपन पे जाओ। हाँ अगर आपके पास ऑलरेडी रेडन शोगन है C2 देन अगर आपके पास वेपन नहीं है तो वेपन पे जाओ, ठीक है। अगर आपके पास योमिया है, योमिया का वेपन नहीं है, रस चला रहे हो तो वेपन पे जा सकते हो। तो कंक्लूजन में आ जाते हैं हमारे एंड सेक्शन पे, किसको पुल करनी चाहिए। अगर आपके पास इटो नहीं है और आपको एक जियो कैरेक्टर चाहिए जो मोनो जियो टीम पे के बाहर का टीम कॉम से काम करे बाकी टीम कॉम के साथ, देन नविया आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आपको आपके पास आयोथलेसली नहीं है तो एक करायो कैरेक्टर चाहिए देन आया का पुल कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट है मेरे पास है इसलिए, और बहुत ही अच्छी कैरेक्टर है। और मैंने आपको वीडियो के शुरू में आप देखते ना मैंने क्या बोला था, आयका के लिए 3 चीज कंसिडरेशन होनी चाहिए, टीम चाहिए होती है, वो टीम अगर आपके पास है जो मैंने पहले मेंशन किया है तो आप आयका पुल कर सकते हो। रेडन शोगन या योमिया, इन दोनों में से कौन करनी चाहिए? रेडन शोगन करनी चाहिए। अगर आपके पास रेडन शोगन नहीं है तो रेडन करो, अगर आपके पास रेडन है तो कॉन्सोलेशन पे जाओ। योमिया चाहे आपको चाहिए इन दोनों में से रेडन, और अगर आपको योमिया बहुत ही पसंद है कैरेक्टर तो योमिया पे जाओ, कॉन्सोलेशन में मत जाओ, योमिया पे मैं पहले से बोल रहा हूँ, वेपन पे जा सकते, ठीक है। तो यही है वीडियो गाइस, तो चलो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और हम आप अगले वीडियो में मिलते हैं, चलो बाय।